respected principal ma'am and all the faculty members here, plus my dear friends. सबसे पहले तो मैं इस कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ. बड़ा सपना था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में पढ़ा जाए, पढ़ तो नहीं पाए, लेकिन आज बोलने आए इस बात की बहुत बड़ी खुशी है. आपके कॉलेज का सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्यु मां अमृताम गम्य ओम शांति शांति शांति. किस बात की अपील है ये और किस टेक्स्ट में दिया हुआ? आपका कॉलेज है पर नहीं बोलोगे तो मैम से बोलोगे सब पे जुर्माना लगाऊंगा, सब पे पैसा देना पड़ेगा. किस टेक्स्ट में है ये? किस टेक्स्ट में मेंशन है? बृहद राय उपनिषद. इनका भाई नाम नोट करो, हमारा कोर्स इनको फ्री में दिया जाएगा. भैया कॉलेज की टीचर बचाई उस आदमी ने. पर्सनली हर आदमी थैंक यू बोलेगा उस आदमी को. ब्रदरनायक उपनिषद करेक्ट. असत्य से सत्य की तरफ, अंधकार से ज्योति की तरफ और मृत्यु से अमृत की तरफ, ऐसा कहा गया है. फिर ये चीजें हैं क्या? आप यहां पढ़ने आए, स्कूलिंग खत्म हो गई, कॉलेज में आ गए, है ना यार? ऐसे बैठे जैसे पता ही नहीं कि कॉलेज में आए. कॉलेज में आ गए ना. मुझे तो खैर स्कूलिंग का ज्यादा पता चला नहीं क्योंकि मैं पढ़ने में विश्वास नहीं रखता. और उसी वजह मेरे पिताजी हैं, उसे कहते थे यार मैं बहुत ज्यादा तो जानता नहीं, मतलब इतना ईमानदार फादर होना भी बहुत बड़ी बात होती. तो मैं उसे कहा बेटा देखो मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा तो हूं नहीं, पता मुझे बहुत ज्यादा कुछ जीवन में पता है, लेकिन मुझे एक बात बड़ी अच्छे से पता है कि पढ़कर कोई राजा नहीं. अरे मैंने कहा ऐसे क्यों कह रहे हो, क्यों भड़का रहे हो हमको, क्या चाहते हो? नहीं बोले मैं कुछ बड़ी सारी कहानियां मैंने सुन रखी हैं, पता नहीं कहां से उन्होंने न्यूटन की कहानी सुन रखी थी. बाद में मैंने उसको क्रॉस चेक किया तो बड़ी अच्छी कहानी थी वो, कि न्यूटन को अपने स्कूल में 30 से ज्यादा मार्क्स कभी मिले नहीं, 50 में नहीं, 100 में. और फाइनली न्यूटन को स्कूल से भगा दिया गया. और जिस व्यक्ति को स्कूल से भगा दिया गया, आज पूरी दुनिया में ज्यादातर लोग उस व्यक्ति पर PhD कर रहे हैं. आपने कभी इस बात पर गौर किया कि जिस आदमी को स्कूल से भगा दिया गया, निकाला नहीं गया, मैंने शब्द का चयन जो मैं कर रहा हूं उस पर ध्यान देना, मैंने ये नहीं कहा स्कूल से निकाला गया, स्कूल से भगा दिया, बाटो यहां से हटो, उस आदमी पर ज्यादातर लोग दुनिया में PhD कर रहे हैं. ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्या डेवलपमेंट हुई उस आदमी के जीवन में कि न्यूटन्स लॉ और उन लॉस का तो कोई मुकाबला है ही नहीं. अ बॉडी एट रेस्ट विल बी एट रेस्ट, अ बॉडी इन मोशन विल बी इन मोशन अंटिल एंड अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड. अभी बॉटल है, मुझे प्यास भी लगी थी. ये लॉ अनचेंजेबल है, कितना प्यारा लॉ है. 3 दे के गया था वो, 4th मैंने दिया है. उस नाम पे मैं प्रोग्राम भी शुरू कर रहा हूं, 4th लॉ, डायरेक्शन लीड्स टू डेस्टिनेशन. एजुकेशन जो है, एजुकेशन के 4 पिलर्स है, 4. इतनी बड़ी चीज एजुकेशन, डॉक्टर अंबेडकर ने तो इतना बड़ा स्टेटमेंट ही दे डाला, एजुकेशन इज द मिल्क ऑफ टाइगर्स, वन हू कंज्यूम्स स्टार्ट्स रोरिंग. सुधांशु त्रिवेदी जी को देखो,
कहीं भी खड़ा होते हैं कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता उनके सामने। रीजन एजुकेशन। 39 इयर्स ऑफ एज, 39 इयर्स ऑफ एज एक आदमी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करता है लंदन में। कौन बैठा हुआ है? ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडॉनल्ड। जिस देश जो देश हमारा मालिक है उसका प्रधानमंत्री बैठा हुआ है रैमसे मैकडॉनल्ड। उस देश का राजा बैठा हुआ है जॉर्ज सेकंड। और वो जो मीटिंग चल रही है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस उसमें से एक 39 ईयर का आदमी खड़ा हो जाता है एंड ही स्टार्ट्स स्पीकिंग। उस मीटिंग में जिस मीटिंग में भारत के राजा महाराजा बैठे हुए, इंटेलेक्चुअल्स बैठे हुए, एक से एक लोग बैठे हुए, पर बोलने में आपको क्या खड़े होकर बोल रहे थे? कोशिश किया करिए कुछ भी लिख के मत लाया करिए। यू आर इन कॉलेज। अरे खड़े होकर दहाड़ो यार, ऐसे एक दो बार गलत होगा, हूटिंग हो जाएगी, सीटी बजाएंगे लोग, तभी तो सीखोगे। तुमको तो इतना इज्जत का डर लगता है जैसे मुगल फैमिली से हो। डॉक्टर और टीचर अपना इलाज कर ही नहीं सकता। आपके कॉलेज का टीचर आपसे कुछ कहेगा ना, आप बोलेगा बता। पहले आप तो इज्जत की चिंता मत किया करो। सन्यासी, भिखारी और स्टूडेंट, इनकी कोई इज्जत नहीं होगी। अगर ये इज्जत की चिंता करेंगे तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे, कर ही नहीं पाए। अब भिखारी भीख मांगने जा रहा है और उसको लगे कि मैं यार मैं तो स्वयंसु फैमिली का हूं और तुम्हारे दरवाजे पे आके बोले कि भैया मैं फला फैमिली का हूं मुझे भीख दे दो। इनकी इज्जत नहीं होती, टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। एजुकेशन बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी। डॉक्टर लोहिया बर्लिन यूनिवर्सिटी से पीएचडी करके आए, मद्रास उतरे। पैसा ही नहीं था उनके पास, जेब में पैसा ही नहीं बचा। दान करने वाले आदमी जहां पैसा मिला दान करना शुरू, जेब में पैसा ही नहीं। नाम सुना है डॉक्टर लोहिया का? अब जेब में पैसा ही नहीं तो फिर क्या किया वो? उन्होंने हिंदू न्यूज़पेपर आता है उसके ऑफिस में गए, बोले यार मुझे सब एडिटर से मिलना है। ले गए लोग कि साहब ये सब एडिटर का ऑफिस। एडिटर से बोले यार एक पेज दो और पेन दो, एक आर्टिकल लिख के देता हूं, कल हंगामा होगा तमिलनाडु में। तो उसने ऊपर से नीचे दे देगा, बोला कौन? अरे बोले कौन, उनके चक्कर होगा कौन, पेपर दो पेज दो। तो उसने दिया एक पेपर पेज, उन्होंने एक आर्टिकल लिख के दिया एक आनवी पे। जब उस एडिटर ने पढ़ा वो तो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, कहा बाबूजी कहां से? बोले मैं राम मनोहर लोहिया बर्लिन यूनिवर्सिटी से एग्जाम में पीएचडी। यार पैसा नहीं है यार, बंगाल तक जाना है। अरे उसने कहा बाबूजी ये लो 300 रुपए, 300 रुपीज विद सेंचुरी, बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। नौकरियों को तो तुम्हें ढूंढना चाहिए कि कहां हो तुम। चार पिलर हैं एजुकेशन, और अगर वो चार पिलर मिस हुए तो उस एजुकेशन का कोई फायदा नहीं। पहला पिलर, एजुकेशन इज नॉट फॉर एम्प्लॉयमेंट। शिक्षा नौकरी करने के लिए नहीं। अभी मैं आपकी मैडम के साथ बैठा था, प्रिंसिपल मैम के साथ, बड़ी प्यारी बात उन्होंने कही, बड़ी डेयरिंग सी लेडी है, और आपको तो उन्हें कम से कम 100 बार थैंक यू बोलना चाहिए कि इतनी सब चीजों की परमिशन लेती है। इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की प्रिंसिपल परमिशन दे वो बहुत बड़ी बात होती है। तो डॉक्टर अपने घर में किसी दूसरे सर्जन को बुलाए करना चाहिए यार। थैंक यू बड़ी प्यारी सी चीज है और बहुत कुछ बदलती है। रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज है, तुम्हारे टीचर से ना कुछ ज्यादा नहीं करना होता। टीचर को पैसा तो खैर गवर्नमेंट देगी, आप रिस्पेक्ट दे सकते हो। और रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज है टीचर के लिए कि अगर उसे 10% पढ़ाना होगा तो उस दिन क्लास में वो कम से कम 70% पढ़ाए।
तक देने में किसी को कोई पैसा नहीं देता, देनी ही चाहिए, उससे आपका बढ़ापा नहीं होता है। तो एजुकेशन इज नॉट फॉर एम्प्लॉयमेंट, पहली चीज। तो फिर एजुकेशन है किस लिए? एजुकेशन विदाउट क्यूरियोसिटी इज डेड। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और आपको जानना ही नहीं है क्यों पढ़ रहे हैं। आज मैं आपको चार पिलर बता के जा रहा हूं, चार पिलर आप अपने जीवन में लगा के आज से देखो, एक साल बाद योर लाइफ विल कंप्लीटली चेंज। आप आईएएस की तैयारी करना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, पर आईएएस से भी बड़ी चीज है टीचिंग प्रोफेशन, सबसे बड़ी चीज। टीचर्स, डॉक्टर्स, ये सब बहुत बड़े फोरम पे आते हैं, लेकिन चूंकि लोग अब शौकिया नहीं पढ़ाते, आईएएस बनना भी बहुत अच्छी बात है, पैसा कमाना है, शादी अच्छी होगी, डाउरी मिलेगी, मंत्री के घर में शादी होगी, बड़ी सारी बात है, वो भी बता के जाऊंगा। लेकिन क्यूरियोसिटी, एजुकेशन विदाउट क्यूरियोसिटी इज डेड। आपने पढ़ा कि साहब भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट्स है, कहां से लिया? तो भाई अमेरिका के संविधान से लिया, क्योंकि उनके संविधान में भी फंडामेंटल राइट्स लिखा हुआ है। अब आपने इसको पढ़ लिया, बात खत्म हो गई। आपने ये सोचने की कोशिश नहीं की कि यार ये फंडामेंटल राइट का मुद्दा उठा कब होगा और क्यों उठा। तरीका आ जाएगा वो भगवान बन जाएगा, बाकी तो सब सब्सिडियरी चीजें हैं। पहली बात जो तुम्हारे दिमाग में स्ट्राइक करनी चाहिए कि क्या यार पहले फंडामेंटल राइट्स नहीं थी? क्या प्री मॉडर्न पीरियड में फंडामेंटल राइट जैसा कुछ होता ही नहीं था? इंसान की जिंदगी ऐसे ही थी, किसी भी उठा किसी को उठाकर मार डालो, किसी को कोई अधिकार नहीं था भाई, तब भी तो इंसान था ना। प्री मॉडर्न जिसको तुम एंशिएंट पीरियड कहते हो, मेडिवल पीरियड कहते हो, तब भी तो इंसान रहा होगा, तो उसको राइट्स की जरूरत नहीं थी। पहला सवाल ये आना ही चाहिए कि यार ऐसा क्यों, कब ये मुद्दा पहली बार उठा होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन ये कि हमने तो अमेरिका से लिया, अमेरिका ने कहां से लिया होगा? अमेरिका की बिल ऑफ राइट्स है, उसी को तो हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। तो हम तो अमेरिका से इंस्पायर्ड हुए, अमेरिका किससे इंस्पायर्ड हुआ होगा? और ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि हमको उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखना पड़ा? ह्यूमनिज्म इज द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन, जो आज का आधुनिक संविधान है किसी भी देश का। दुनिया में कुछ देश है जहां संविधान लिखित नहीं है। इसराइल एक कंट्री है जिसमें आजकल एक ही रह बवाल चल रहा है, सऊदी अरेबिया में नहीं है, शरीयत चलती है। ऐसे दो चार कंट्री है जहां ब्रिटेन में संविधान है लेकिन वो लिखित नहीं। अब सवाल ये उठा कि यार इसको लिखने की क्यों क्या जरूरत पड़ गई? जब आपने फंडामेंटल राइट पढ़ा, आपने से तो बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा? नहीं, आप कहां पढ़ते हो? मजेदार चीज, जब मुझे समझ में आया जीवन में, मेरे फादर ने कभी मुझे पढ़ने के लिए नहीं मारा, माता जी ने मारा। और माता जी कहती थी पढ़ोगे नहीं तो तुम्हारी शादी नहीं होगी। मैं सुना था यार पढ़ाई का शादी से क्या लेना देना है। फिर मैं एक लड़की लेके भाग गया, शादी कर ली। करने था कि भैया तुम्हारा सिद्धांत गलत है, ये न्यूटन का नियम नहीं है, जल्दी खत्म हो गई। अरे मैं कौन से हम हम तो एक सामान्य से परिवार से हैं, गुड्डू बब्डू की तरह।
अगर हम खतरा नहीं लेंगे तो ये अखंडानंद और अति संतोष हमारे सर पर चढ़े रहेंगे। ऐसे तो कितने मुन्ना पैदा हो जाएंगे जिनकी औकात हो जाएगी किसी के भी घर में घुस जाए और वकील के सामने उसकी फाइल फाड़ दें और एक 15 किलो का आदमी इतनी बड़ी चाकू निकाल के कह रहा कि नॉट गिल्टी चाहिए वकील साहब। भैया जब तुम देश को संविधान के बजाय चाकू के बल पे चलाओगे तो प्रूफ तो करना ही पड़ेगा ना। घर वाल मेरे पिताजी ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, बोले बहुत शानदार। ऐसा कुछ नहीं होता कि पढ़ोगे नहीं तो नौकरी नहीं लगेगी, शादी नहीं होगी। और नौकरी करनी क्यों है, कभी मूड आया कर लिया। नौकरी ऐसा भी नहीं करनी है, मन में आया कर लिया, फिर बॉस से झगड़ा कर लिया, फिर दौड़ा लिया उसको, फिर वो भी न्यूज़पेपर में आया कि अपने मालिक को दौड़ा है, बदतमीजी किए, बदतमीजी करते हैं, कितने बड़े बड़े नियम बनते चले जा रहे हैं। इस देश में किसी की नौकरी थोड़ी की कभी, वो तो मैकाले आया तो उसने कहा कि नौकरी, एम्प्लॉयमेंट, लिविंग। इस देश का सबसे ज्यादा एम्फेसिस था ज्ञान पे। वो कहता था पावर मतलब नॉलेज। तो आज का स्टूडेंट नौकरी ना उसको जो सबसे पहली चीज डिस्कार्ड की है वह है क्यूरियोसिटी। इतनी बड़ी क्लास, इतनी बड़ी, अगर मैं भी पूछूं कि यार फंडामेंटल राइट का मुद्दा सबसे पहले किस देश में उठा, इंग्लैंड, फ्रांस, ब्रिटेन, हाँ तो उठाओ तो पूछेंगे ऐसा थोड़ी ना। मतलब एक बार अरे रानी झांसी लड़कियों से कोई नहीं आता सारा, तुम लड़की चलो लड़कियां नहीं उठा रहे तो फिर लड़के उठाएंगे। चलो बताओ बताओ बहुत बड़ी शानदार विजय। सर एक्सप्लोइटेशन मुद्दा एक्सप्लोइटेशन नहीं था, एक्सप्लोइटेशन मतलब शुरू तो ब्रिटेन नहीं था, मतलब पहला मुद्दा वही लोग। लेकिन अब ये जानना बहुत जरूरी क्यों, अमेरिका किससे इंस्पायर हुआ, इनका भी नाम लिख लो। अरे कितनी बड़ी बात है यार, इतनी बड़ी हमसे ना कॉलेज है दिल्ली का, दुनिया का फेमस कॉलेज है। मैं तो सोच गया था कि सब मतलब कुछ चीज जगह ऐसी होती है जहां आदमी जब बोलने जाता है तो उसको लगता है कि फला जगह बोलने जा रहे हैं यार संभल के। तो मैं बड़ा वो होकर आया था कि चलो यार आज तो मजा आएगा बोलने का भी और सुनने का भी। अमेरिका कहां से इंस्पायर हुआ, फ्रांस। अमेरिका किस ईयर में पैदा हुआ, 1787। अमेरिका इंस्पायर हुआ फ्रांस। पहली बार मुद्दा उठा ब्रिटेन। सवाल ये उठा, फिर सवाल ये उठा कि आखिर हमें इस बात को अपने संविधान में लिखना क्यों पड़ा, ब्रिटेन ने क्यों नहीं लिखा, फ्रांस ने क्यों नहीं लिखा, इन्होंने लिखा क्यों नहीं, हमने उसे अपने संविधान का पार्ट क्यों बनाया। क्योंकि फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ 1789, क्रांति हुई किसके खिलाफ, फ्यूडलिज्म के खिलाफ। तुम राइट टू इक्वालिटी पढ़ो, तुम पूरा फंडामेंटल राइट उठा के देखो, एंटायर फंडामेंटल राइट इज टू काउंटर व्हाट, फ्यूडलिज्म। प्री मॉडर्न पीरियड जो है उसकी सेंट्रल फिगर क्या है, फ्यूडलिज्म। पूरी फंडामेंटल राइट जो उसके पार्ट है वो किससे डील कर, किसको काउंटर करते हैं, फ्यूडलिज्म को। नहीं बात समझ में आई, बात समझ में आ रही ना, राइट टू इक्वालिटी 14 से 18 सारे जो आर्टिकल्स हैं किसको किसको बेस करके बने हुए हैं, फ्यूडलिज्म को। आज अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा प्रिविलेज किसके पास है, रूलिंग क्लास के पास। आम आदमी के पास प्रिविलेज है नहीं है,
वुमन की कंडीशन देखो अफगानिस्तान में, और आज वुमन की कंडीशन देखो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, दोनों में कोई फर्क है? चलो अमेरिका हटाओ, टर्की मुस्लिम कंट्री है, क्यूरियोसिटी। अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो बिना क्यूरियोसिटी के, क्योंकि ये तुम्हारा कॉलेज का टाइम है, अभी तुम अच्छी पढ़ाई कर सकते। और पढ़ाई का सबसे प्यारा तरीका किताबों के बाद, जो आज लगभग लगभग सब जगह खत्म होता जा रहा है, किताबों, किताब तो बेसिक सोर्स है इंफॉर्मेशन का, लेकिन जो पढ़ने का बेहतरीन तरीका है वो है ग्रुप डिस्कशन। जो आज की जनरेशन जिस पर अटेंशन ही नहीं दे, उसको पास होना है, उसको टॉप करना है, उसको गोल्ड मेडल लाना है, फिर उसको नौकरी निकालनी है, आईएएस बनना है। क्यूरियोसिटी, विदाउट क्यूरियोसिटी एजुकेशन इज डेड। रिलीजियस मूवमेंट होते थे प्री मॉडर्न वर्ल्ड में, इंडिया में देखो कितनी बार रिलीजियस मूवमेंट हुआ, 6th century BC बुद्ध एंड महावीर द सुपर स्टार्स ऑफ 6th century BC, फिर 15th century रिलीजियस मूवमेंट इन इंडिया, नानक दादू कबीर, फिर 19th century स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, सर सैयद अहमद खान, क्यों होते थे रिलीजियस मूवमेंट्स? क्या जरूरत पड़ती थी इनकी? बोलो, क्योंकि वो सोसाइटी में चेंज लाना चाहते थे। मेडिकल इंडिया के जो रूलर्स है कौन सी टाइटल लेते हैं? जिल्ले इलाही, शैडो ऑफ अल्लाह। पर आज हमारे प्राइम मिनिस्टर ऐसी टाइटल लेते हैं जिल्ले इलाही? आज वो है जिल्ले जमहूरियत। जमहूरियत मतलब मासेस। टुडेज प्राइम मिनिस्टर इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मासेस। इन प्री मॉडर्न वर्ल्ड किंग वॉज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, तो ही हैज टू रिस्पेक्ट द विश ऑफ गॉड। लेकिन आज जो मैनमेड कॉन्स्टिट्यूशन है वो रैशनलिज्म पे बेस्ड है, ह्यूमनिज्म पे बेस्ड है, तो उसमें एक बड़ा प्यारा फीचर है, कौन सा? अमेंडमेंट। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस ईयर में आया? 1950 में, और अब तक हम कितने अमेंडमेंट कर चुके हैं? 100+। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, एंड इफ चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर टूडे, चेंज वॉज द लॉ ऑफ नेचर यस्टरडे ऑल्सो। तो आज जब हमें चेंज करना होता है तो हम अमेंडमेंट करते हैं, और जब हमें प्री मॉडर्न वर्ल्ड में चेंज करना होता था तो क्या करते थे? रिलीजियस मूवमेंट। व्हाट इज रिलीजियस मूवमेंट इन प्री मॉडर्न वर्ल्ड? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। पहली चीज ये पकड़, एजुकेशन विदाउट क्यूरियोसिटी इज डेड। एजुकेशन विदाउट क्यूरियोसिटी। तुम्हें कभी कभी कहानियां सुनते हो, इतनी बड़ी बड़ी कहानियां सुनते हो। एक बड़ा फेमस राजा हुआ विजयनगर का, कृष्णदेवराय, नाम सुना ना? एक बार एक आदमी उसके दरबार में आया, और उसने राजा से कहा कि राजा साहब मुझे 30 languages आती है, 30, और मैं 30 languages पर इतना मेरा कमांड है कि मैं कोई भी लैंग्वेज बोलूं, तुम्हारे पूरे दरबार में कोई ये नहीं बता सकता कि मेरा ओरिजिनल लैंग्वेज कौन सी है, मेरी मदर टंग कौन सी है। राजा ने अपनी दरबारियों की तरफ देखा, इतना इतना पैसा तुम लोग को दे रहे हैं, आराम करो, कोई तो चैलेंज उसके एक्सेप्ट करो, कोई चैलेंज करने को एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं। राजा ने कहा मैं एक्सेप्ट करता हूं, आओ बोल से तुम। उसने कहा ऐसे नहीं, जितने दिन तुम फेल करोगे, तुम्हारे जितने विद्वान फेल करेंगे, हर दिन मैं 10 lakh सोने के सिक्के दूंगा, एवरी डे। पहले दिन आया, 4-5 languages बोली, 2-3 लोग चेक करने आए, बता ही नहीं पाए, ले गए 10 lakh rupees। ऐसे 40 दिन चलता रहा, हर दिन वो 10 lakh सोने के सिक्के लेके जाता था। राजा ने रात में सारे विद्वानों को बुलाया, बोले कल लटका दूंगा सबको। तो
कृष्णदेव राय के दरबार में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पात्र है कहानियों में, तेनालीराम। तेनालीराम ने कहा कि सरकार कल हम आएंगे सरकार, अभी तक ये आपके सारे प्लेयर खेल रहे थे, ओपनर चेसर फर्स्ट डाउन सेकंड डाउन, कल हम खेलेंगे। तेनालीराम आए, उसने बोलना शुरू किया, 10-12 लैंग्वेज बोली। तेनालीराम ने कहा तुम एक काम करो, तुम दरबार के बाहर निकलो, वहां बताएंगे। ऐसी सीढ़ियां थी मंच से नीचे आने, तो जैसे वो सीढ़ियों में पहुंचा तेनालीराम ने उसे धक्का दे दिया, और धक्का दिया वो गिरा, गिरते उसने गाली दी, और जैसे उसने गाली दी बोले यही है तुम्हारी मदर टंग, असली टंग तुम्हारी यही है। क्यूरियोसिटी, एजुकेशन का जो दूसरा पिलर है वो है विजन। एजुकेशन विदाउट विजन इज पैरालिटिक, मतलब अगर तुम पढ़ रहे हो और वो तुम्हारे अंदर विजन नहीं पैदा कर रही है। गांधी जी भारत आते 1915 में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा है, अंग्रेजों ने कहा वी आर फाइटिंग टू गिव सेल्फ रूल टू द सफरिंग पीपल, गांधी जी ने कहा वाह बहुत अच्छा, तब तक मैं भारत घूम लेता हूं, भारत का भ्रमण कर लेता हूं, एक दो आईपीएल खेल लेता हूं। अंग्रेजों ने कहा हाँ खेल लो आईपीएल, तो चंपारण खेला आईपीएल, फिर एक आईपीएल अहमदाबाद में खेला, उन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, फिर एक आईपीएल खेड़ा में खेला, तीन तीन आईपीएल खेले और तीनों आईपीएल में जबरदस्त परफॉर्मेंस, अफ्रीका में खेलकर आए थे जीत के, तुरंत नेशनल टीम में एंट्री हो गई। 1919 में मैच शुरू हुआ, रॉबर्ट एक्ट आ गया, इंप्रिजनमेंट विदाउट ट्रायल, अंग्रेजों ने क्या वादा किया था सेल्फ रूल टू द सफरिंग पीपल, पर जैसे ही वॉर खत्म हुआ क्या दे दिया, रॉबर्ट एक्ट, इंप्रिजनमेंट विदाउट ट्रायल मिनिमम 2 years। गांधी जी ने कहा मैक्सिमम, बोले मैक्सिमम 200 years। गांधी ने कहा तुम लोग तो कह रहे थे कि सेल्फ रूल टू द सफरिंग पीपल, बोले आओ रात में कहा होगा नशे में। अब तुम इमेजिन करो 1920 की कंट्री है, 90% पीपल इलिटरेट, 90% पीपल सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी, देयर इज नथिंग कॉल्ड इंडिया, भारत कोई राष्ट्र है ही नहीं। विजन, देखने की क्षमता, देखने की, पढ़ने की तो कोई भी पढ़ ले, तो पढ़ते ही नॉवल। हमारे गांव में एक से एक महारथी है, नॉवल पढ़ते हैं, नॉवल हमसे कहते तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, अच्छा तुम भी करो कभी पढ़ो एनसीईआरटी, लेकिन नॉवल पढ़ेंगे और एक से एक नॉवल, ऐसे ऐसे नाम है नॉवल के, काली घाटी की चुड़ैल कितनी मोटी नॉवल, ना खाना खा रहे ना पानी, नॉवल में डूब पढ़ तो रहे, कहां कुछ जीवन में परिवर्तन हो रहा। मैंने कहा ना पढ़ाई इतनी क्रांतिकारी चीज, मतलब अगर तुम्हारे अंदर ये एजुकेशन उत्साह न भर पाए, कॉन्फिडेंस ना दे पाए, डेयरनेस ना दे पाए, समझ लो एजुकेशन का जो राह है तुम्हारा वो सही नहीं है। कंट्री इंडिया आई नहीं, देयर इज नथिंग अबाउट इंडिया एज अ नेशन, 90% पीपल इलिटरेट, 90% सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी, मास मूवमेंट करना है, मास मूवमेंट, लोगों को बाहर बुलाना है। भारत के वॉइसरॉय ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में लिख कर दिया कि सरकार चिंता ना करो, गांधी जी कुछ नहीं कर पाएंगे। आज तो भारत में गांधी जी को लोग पता नहीं किन वजहों से जानते हैं, अपनी अपनी वजहों से जानते हैं। भैया गांधी जी, भैया 70 साल के हो रहे, भैया 2 लड़की के कंधे पे हाथ रखे, तुम 17 में नहीं चल पाए।
तुम गांधी जी पे बस यही पता तुमको गांधी जी के बारे में। अल्बर्ट आइंस्टीन जिस आदमी की तारीफ करता है, मतलब तुम्हारी तारीफ कौन करता है दुनिया में, ये बहुत माने रखता है। किसने तुम्हें अप्रिशिएट किया और किसने तुम्हें गाली दी, दोनों माने रखता। केस देखो कितना क्रिटिकल केस है, नेशन नहीं नहीं भारत का वॉइसराय लिख रहा है कि साहब टेंशन मत लेना साहब, कुछ नहीं कर पाएगा ये आदमी। एक आदमी इस आदमी को बुलाने पर बाहर नहीं आएगा, लेकिन उस आदमी के पास एक विजन था, उसके देखने की क्षमता बहुत अच्छी थी, उसको कुछ बातें क्लियर थी स्पष्ट। इस दुनिया में कुछ सूत्र है जो कभी टूटे नहीं, और उनमें से यह सबसे बड़ा सूत्र है, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स नो परमानेंट एनिमीज ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। इंडिया यूएन में इसराइल वाले मुद्दे पे हमने एब्सटेन किया, बड़ी दुनिया शॉक्ड रही कि भारत क्यों किया एब्सटेन, किस ग्राउंड पे? उसने कहा टेररिज्म के ग्राउंड पे, हम भी टेररिज्म झेल रहे हैं। विजन जिसके पास है, विजन यहां दुखी नहीं होना चाहिए, ये मुझसे बात नहीं कर रहे, ये मुझसे बोल नहीं रहे। मैं तो कभी कभी ऐसी ऐसी कहानियां सुनता हूं, आते लोग मुझसे जब बताते हैं और मैं उनकी उम्र देखता हूं तो मैं सोचता हूं इनको गांव ले जाऊं। पेड़ में बांध कम से कम चार डंडा उठा, मैं कहता ना बेहरे वाला डंडा, उससे कुछ टूटता नहीं है, हटता है, बिल्कुल टूट जाएगा 307 तक वाले कि साहब अटेम्प्ट टू मर्डर सर। कई बार ऐसा हुआ, कई बार तो ऐसा हुआ कि पेरेंट्स लेके चले गए कुछ मुद्दों पे, छोटे छोटे मुद्दों पे, साहब उसको नींद नहीं आ रही। पैदल चले आओ दिल्ली से आगरा तक, मेहनत करोगे तभी तो नींद आएगी, या तो कुछ खुराफात किए होगे, वो अंदर घूम रहा होगा। फ्रांस का एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट हुआ इमाइल कुए, वो लोगों को सिर्फ ध्यान करा के ठीक कर देता था और बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक करता था। देर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स नो परमानेंट एनिमीज ओनली परमानेंट। कोई तुमसे नहीं बात कर रहा है इसका मतलब तो उसके काम के नहीं हो, बस सिंपल। तो करना क्या है, उसके काम का हो जाना है, पता करो क्या चाहिए इसको। में तिलक जेल से निकले बाल गंगाधर तिलक, कांग्रेस ने कहा एंट्री नहीं है, कांग्रेस ने कहा तुमको कांग्रेस में नहीं आने देंगे, विरोचा मेहता जिंदा थे, गोपाल कृष्ण गोखले जिंदा थे, और फिरोज शाह मेहता के मुंह पे जूता लगा था सूरत में, वो तो और गुस्से में थे कि तुमको आने नहीं देंगे किसी भी कीमत पे, यू विल नॉट बी अलाउड द एंट्री इन कांग्रेस। एक्सट्रीमिस्टों ने तिलक से कहा कि बाबू जी अब क्या होगा, बोले तुम बैठो हम बताते क्या करना। तो उन्होंने एक मूवमेंट शुरू किया HRL होम रूल लीग। कांग्रेस अंडर द कंट्रोल ऑफ मॉडरेट्स वाज अ डेड ऑर्गेनाइजेशन, मास सपोर्ट था ही नहीं, कांग्रेस के पास मास सपोर्ट था ही नहीं। कांग्रेस को क्या चाहिए था, मास सपोर्ट। तिलक को क्या चाहिए थी, कांग्रेस। जैसे ही तिलक ने शुरू किया HRL होम रूल लीग और हजारों लोगों को मोबिलाइज किया, दिस वॉज द मैसेज टू कांग्रेस की आई एम स्टिल द मास मोबिलाइजर इन दिस कंट्री, मास मेरे पास है। इसका परिणाम क्या हुआ, लखनऊ कांग्रेस ऑफ 1916, यूनिटी बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, विजनरी बनाई गई एजुकेशन तुम्हें। तुम सिर्फ आईएएस बनने के चक्कर में पड़े, वो कह रही भैया मैं तुमको विजनरी बनाऊंगी, विजनरी विजन दूंगी तुम्हें। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हर आदमी, भगवान भी तुमको बुलाएगा, बस भगवान का इंटरेस्ट पता कर लो, जिसके काम के हो जाओगे उसके दिल के राजा हो जाओगे। गवर्नमेंट
अंडरस्टैंड सेंटीमेंट, तो मारेगा ना, कुछ नहीं होता सेंटीमेंट, इमोशन इमोशन, रिक्शा वालों से जाके पूछो कोई इनको गुड मॉर्निंग बोलता है? जिनके घर में मिठाइयां फेंकने की स्थिति में होगी वही दिवाली में इनको डिब्बे उठा के देंगे बुला के, भैया ये मिठाई खा लेना, सड़ गई है, मेरे बच्चे खा नहीं पा रहे थे। जितने बड़े बड़े अधिकारी हैं, पॉलिटिशियंस हैं, टॉप क्लास ब्यूरोक्रेट्स हैं, बिजनेसमैन हैं, देखो सबके घर मिठाइयां पहुंचनी शुरू हो जाएंगी। तुम उस काम के हो जाओ, एक वर्ड पकड़ लो जीवन में, इंटरेस्ट। तो नॉलेज का पहला पिलर क्या है? क्यूरियोसिटी। नॉलेज का दूसरा पिलर है विजन। नॉलेज का तीसरा पिलर, नॉलेज विदाउट क्यूरियोसिटी इज डेड, नॉलेज विदाउट इंटरेस्ट विजन इज पैरालिटिक, नॉलेज विदाउट रैशनलिज्म। नॉलेज का तीसरा पिलर रैशनलिज्म। तुम क्यों कोई चीज करते हो तो तुम उसका प्रॉपर रीजन जानते हो कि इसको मैं क्यों कर रहा हूं। ये देखो ज्योति, हम सारे प्रोग्राम यहीं से शुरू करते हैं, भारत की संस्कृति है ये, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से रोशनी की तरफ ले चलो। रैशनैलिटी, क्या कर रहे हो? थर्ड ईयर में है? अच्छा थर्ड ईयर में, कुछ भी इजराइल का बॉर्डर नहीं पता, इजराइल पैदा कैसे हुआ नहीं पता, पता ही नहीं, ट्विटर पर ऐसे नाच रहे हैं जैसे शादी होने जा रही है, ये मारा वो मारा और मजा आया। शुक्र मनाओ कि थर्ड वर्ल्ड वॉर ना शुरू हो, प्रकाश मिसाइल अगर इधर घूमी कोई है इस क्लास में जो बता दे इसराइल की जन्म की कहानी कहां से शुरू हुई? जैसे अखंड भारत का कॉन्सेप्ट है तो हम वो सैंक्टिफाई करने के लिए ऐसा करते हैं, हम सब करते हैं, पूरी दुनिया करती है, चार देश याद रखो बस। और जो बर्थ ऑफ इसराइल है उसका एक टॉपिक है ईस्टर्न क्वेश्चन, ये टॉपिक है, पूरा नाम ही वर्ल्ड हिस्ट्री में पूर्वी प्रश्न ईस्टर्न क्वेश्चन। ये जो इसराइल का इलाका है जिसको तुम आज देख रहे हो, सुएस कैनाल का इलाका, ये हार्टलैंड था द ट्रेड बिटवीन वेस्ट एंड ईस्ट, पश्चिम और पूर्व के बीच ट्रेड हो रही है, तो ये हार्टलैंड था, हार्टलैंड हार्ट मतलब जिसका इस पर कब्जा, सबसे पहले रोमन्स का, जिसका इस पर कब्जा उसका पश्चिम और पूर्व के ट्रेड पे कब्जा, तो सब इस जगह पे कब्जा रखना चाहते थे सब। 16th सेंचुरी में यहां पर ऑटोमन्स का कब्जा, ब्रिटेन ने ऑटोमन से दोस्ती कर ली, फ्रांस और ब्रिटेन ने, ब्रिटेन के ऑटोमन्स ब्रिटेन और फ्रांस तीनों दोस्त हो गए, फिर तीनों ने मिलकर रशिया को काउंटर किया कि तुमको नहीं घुसने देंगे यहां पर, तुम्हें एंटर नहीं करने देंगे। ये सब रशिया ब्रिटेन फ्रांस ऑटोमन्स, ये सब उस जो जिस जगह आज इसराइल है उस एरिया पर कब्जा करना चाहते थे, सब चाहते थे हमारा दबदबा रहे। एक लाइन, द बर्थ ऑफ इसराइल इज द एंट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन ईस्टर्न क्वेश्चन, और इसकी कहानी शुरू होती है 1897 से, थियोडोर हर्जल, वर्ल्ड ज़ियोन ऑर्गेनाइजेशन, ज़ियोन ऑर्गेनाइजेशन बनती है और वो बोलती है कि पैलेस्टीन इज द होमलैंड ऑफ ज्यूज। अब तुम्हारे ऐसे अब यहां इस क्लास में कोई खड़ा हो जाए और बोले ब्राजील इज द होमलैंड ऑफ ब्राह्मिन्स, अब ऐसे थोड़ी कोई मान लेगा, कोई कुछ भी कह दे। जब तुम आवाज उठाते हो तो तुम्हें इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस चाहिए होती,
तो ये किन लोगों ने आवाज उठाई? वर्ल्ड ज़ायोन ऑर्गेनाइजेशन वालों ने, कि भैया पैलेस्टीन हमारा होमलैंड है। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इसको सैंक्शन दिए किस ईयर में? 1917 वर्ल्ड वॉर चल रहा है एंड ब्रिटेन सेज यस पैलेस्टीन इज द होमलैंड ऑफ ज्यूज। डिमांड कब उठी? 1897 में। इंटरनेशनल सैंक्शन कब मिला? 1917 में। तो पैलेस्टीन में जो अरब्स रहते थे वो अरब डोमिनेटेड एरिया था, तो वहां के अरब्स ने कहा कि भैया यहां ज्यू नहीं है। हाँ नहीं है तो क्या, वो आ रहे ना अभी, आएंगे अभी। तो बोले कैसे कैसे आ जाओगे? बोले आ रहे हैं, तुम लोग रुको अभी आ रहे हैं। 1920 ट्रीटी ऑफ सेवरिस, ब्रिटेन टेक्स अवे वेस्ट एशिया फ्रॉम टर्की। And when Britain takes over West Asia from Turkey, Palestine becomes the mandate of Britain. Mandate was the under protection of Britain. And then Britain starts giving land on lease to Jews, and this was the entry of Jews in Palestine. So, kahani kab shuru hui? 1897. Usko sanction kab mila? 1917. Jews ki entry kahan se shuru hui? 1920 Treaty of Sevres. Fir Hitler aa gaya. बहुत भाई, जो लोग जहां बसे होते हैं वहां नहीं छोड़ना चाहते, आदमी मजबूरी में अपना घर छोड़ता। अगर हमारा यूपी में 5,000 करोड़ का बिजनेस होता तो हम कभी दिल्ली में सेटल होते? कभी नहीं होते। अरे 50 करोड़ का होता तो नहीं होते। तो ये हुआ कि भाई ज्यूस वहां जाएंगे कैसे? 34 हिटलर कम्स इनटू पावर इन जर्मनी। Inflow of Jews increases in Palestine. Rationalism. Education का जो तीसरा पिलर है rationalism, तुम बहुत सारे काम ऐसे करते हो, तुम कर रहे हो तुम्हें पता ही नहीं क्यों कर रहे हैं। कितने लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं क्लास में? अरे तुम हमारी तरफ देख के बताया, कब से पढ़ रहे हो? 55 से। 55 कह रहे हो ना? हमने कहा पिछला जन्म भी याद है। 10,000 लोग पढ़ते हो ये सब नहीं, कितने सालों में पढ़ते हो? 10, चलो 8 मान ले, 5, 8 मान ले, 8 साल। एक साल में मान लो 300 दिन तुमने पढ़ा ही होगा, 65 दिन छोड़ दिया होगा। हर दिन पढ़ो तो 2400 बार तो पढ़ ही गए होगे कम से कम, 2400 times। अष्ट सिद्ध न निधि के दाता, क्या है 8 सिद्धियां? इन्होंने 2400 बार पढ़ा, उसको और ज्यादा ही पढ़ा होगा, 24 में कम बता रहा हूं। ये डायरी में लिखना जाके, क्या चीज बनाने का वादा करती है हनुमान चालीसा? अगर तुम उसे प्रॉपरली फॉलो कर दो तो तुम ये बन जाओगे। ऐसे मन नहीं था, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हमें भी किसी ने बताया होगा। भगवान यस, हनुमान चालीसा का दावा है अगर आप उसे फायदे से प्रॉपरली फॉलो करें, पढ़ना नहीं फॉलो, तो आपको शिव जैसा बना देंगे। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा वो इससे काफी लॉजिक, रैशनैलिटी। एजुकेशन विदाउट क्यूरियोसिटी इज डेड, एजुकेशन विदाउट विजन इज पैरालिटिक, एजुकेशन विदाउट रैशनैलिटी इज स्पाइनलेस। तुम करते रहो जितना कर रहे हो, तभी तो तुम इतना पढ़ते हो, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं पैदा होता। तुम सोच के देखो, कुछ तो गड़बड़ी हो रही होगी।
कहीं हो रहा होगा। और मैं एजुकेशन, मैंने अभी कहा ना 39 इयर्स ऑफ एज, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जॉर्ज सेकेंड किंग ऑफ इंग्लैंड। यहां लोग एक कांस्टेबल के सामने नहीं बोल पाते डर के मारे। वो 39 इयर्स का यंग मैन, ब्रिटेन के राजा है, जॉर्ज सेकेंड, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, मैकडोनल्ड के सामने खड़ा होकर बोल रहा है। व्हाई? एजुकेशन। फैक्ट रख रहा है वो आदमी, एविडेंसेस, किताबें बता रहा है। और चौथी बात, एजुकेशन विदाउट नॉलेज मींस डार्कनेस। कुछ तो सीखा, कुछ तो अप्लाई करोगे जीवन में। 20 साल पढ़ाई किए, अप्लाई नहीं कर सकते, उससे तुम कुछ अर्न नहीं कर सकते। मतलब किसी चीज में तुमने 20 साल लगाए, 20 इयर्स, और वो चीज तुम्हें 10,000 रुपए महीने देने को तैयार नहीं है। Can you imagine? मतलब 20 साल, 2 साल नर्सरी गई थी और 12 साल उधर, 14 साल तो उधर ही चले गए स्कूल में। चौदह साल में श्री राम भगवान बन गए। इतना लंबा समय हमने एजुकेशन को दिया, कुछ तो मिस हो रहा होगा, कुछ तो गड़बड़ी हो रही होगी। चार पिलर, चार, क्यूरियोसिटी, डिसिशन, रैशनैलिटी एंड नॉलेज। कुछ ऐसा सीखा तुमने, तुमसे बोले यार यहां आओ बहुत पैसा खर्चा होगा, मैं कोई बात नहीं तुमसे ले लेंगे, काम नहीं देंगे। अरे अपना काम तुम्हारी पहुंचा, क्लास ले लेंगे यार। यू वुड बी एबल टू टेक क्लास हियर इन यूएस। यू स्टडी इन अ डिफरेंट वे। मैंने कहा से बताओ, वाई अमेरिका बिकेम अ सुपर पावर इन 20th सेंचुरी, व्हाट वाज द रीजन? बोले अमेरिका बहुत सुपर पावर है। मैंने कहा नहीं पागल, अमेरिका इन 1787 वाज अ स्लम एरिया, 13 स्लम एरियाज। द स्टोरी ऑफ अमेरिका स्टार्ट्स फ्रॉम 13 स्लम एरियाज, 13 बस्तियां। वो 13 बस्तियां 1945 में बनती है वर्ल्ड पावर, कुछ तो रीजन रहा होगा ना। बोले टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट अमेरिका ने बहुत किया। मैंने कहा ब्रिटेन, जर्मनी, जर्मनी तो जब से पैदा हुआ 1781, उसका एक ही इंटेंशन है टेक्नोलॉजी। आर्मी किसी भी कार में बैठे चले, उसका ड्रीम है मर्सिडीज में बैठने का। मर्सिडीज जर्मन टेक्नोलॉजी। हम लोग तो खैर पूर्वांचल वाले ज्यादा विश्वास नहीं करते, हमारी तो फॉर्च्यूनर है, उसको पीछे लिखा हुआ महात्मा। तो कोशिश करेंगे कि हम सिर्फ डिस्कशन करें, कोई मुद्दा उठाते हैं, कोई मुद्दा लेकर आएंगे क्लास में, कोई सब्जेक्ट लेकर आएंगे। आप बताना कौन सा, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री छोड़ दें, केमिस्ट्री में तो कुछ ना लगा पाएंगे, लेकिन आईआर, ज्योग्राफी, अगली बार अगर हम भगवान के आशीर्वाद से कोई सेशन करते हैं तो कोई सब्जेक्ट उठाओ, सब्जेक्ट हिस्ट्री उठा लो, आईआर उठा लो, उस पे डिस्कशन करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, तुम भी तैयार करके आओ। और ये चार चीजें मुझसे ले आओ, क्यूरियोसिटी, विजन, नेशनैलिटी और नॉलेज। और अप्लाई करो उसे,
आधा घंटे बाद बोलना शुरू करता है। और खासकर हमारे यहां तो क्लासेस होती हैं तीन तीन घंटे की, चार चार घंटे की, आपके यहाँ क्लास 45 मिनट्स की होती कॉलेज में, हमारे यहाँ 4 घंटे। तो 1 घंटे बाद में फील होता है कि आप धीरे धीरे मोमेंटम बनने वाला है, लेकिन फिर भी हम समय की सीमा को ध्यान में रखेंगे। एक बार फिर मैं कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन को, यहाँ के प्रिंसिपल, यहाँ स्टाफ और आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जब भी कोई सेशन करेंगे तो एक यूपीएससी कोर यूपीएससी बेस्ड सेशन करेंगे कि क्या होती है यूपीएससी और उसका क्या करेंगे, और एक कोई सब्जेक्ट उठाएंगे उस पर इंटरेक्शन करेंगे आईआर या जो भी हो। ओके, थैंक यू। बिल्डिंग है ना, इसके अंदर क्या है? सीमेंट है, इसके अंदर क्या है? आयरन है। उसने तो उसको मजबूती दे रखी है। कॉम्पिटिशन इज अ गेम ऑफ नॉलेज कम पर्सनैलिटी। तुम अगर अंदर से ताकतवर हो तो तुम कॉम्पिटिशन में बहुत आराम से खेलोगे, क्योंकि कॉम्पिटिशन मीन्स स्ट्रेस एवरी डे। हर दिन तुम्हें 8 घंटे पढ़ना ही पड़ना है। तो अपार्ट फ्रॉम स्टडीज दो चीज पर ध्यान दो, एक योग पे और एक ध्यान पे, सो दैट यू शुड बी स्ट्रॉन्ग मेंटली एंड फिजिकली। तो तुम्हारी पर्सनालिटी स्ट्रांग होती चली आई, वो तुम्हें बहुत मदद करेगा। और एक सवाल भी, और जीवन में अगर तुम्हें आगे बढ़ना तो ध्यान करना पड़ेगा। आज का युवा परेशान है, तुम्हें भगवान बनने की ताकत है, तुम परेशान हो। चुनाव तो लड़ेंगे सर, मेरा क्वेश्चन यही है, 24 का चुनाव लड़ना है सर, पैसा नहीं है। पैसा जहां भी ज्ञान है ना, पैसा खींच के लाना पड़ता है, पैसा होता थोड़ी किसी के पास, राम मनोहर लोहिया के पास भी नहीं था। लाएंगे हम, तुम बताएंगे क्लास के बाद मिलो, बताएंगे पैसा कहां से आएगा। आपने अष्ट सिद्धि का वर्णन किया, उस बारे में तो मुझे ज्यादा पता नहीं, पर ज्यादातर अष्ट सिद्धियां तांत्रिक ट्रेडिशन से कनेक्टेड है और हर अष्ट सिद्धि की एक देवी होती है। मुझे ये समझ नहीं आता आखिर अष्ट सिद्धि में गॉडेस का क्या इंपॉर्टेंस है, कृपया इस बारे में बताएं। शक्ति और प्रकृति दो सिद्धांत है हमारी फिलोसफी में, दो है, एक सोल एक मैटर, जिसको तुम जैनिज्म में कहते हो उद्गल और आत्मा। तो जो शक्ति है वो मातृत्व से संबंधित पानी, जो सृजन करे, सृजन, जब भी कोई शक्ति आएगी तो सृजन करेगी ना, कुछ पैदा करेगी तुम्हारे अंदर, और पैदा कौन करेगा? वुमन। तो तुम इसके लिए किताब पढ़ो, मैं तुम्हें उस किताब का नाम बता देता हूं, 10 महाविद्यास, डेविड किंसले, उसमें इन सारी चीजों का वर्णन है। 10 महाविद्यास बाय डेविड किंसले, यस। बिकम इंक्लूसिव एंड मोटिवेट, बट व्हाई दिस इज नॉट द केस इन इंडिया, व्हाई रेडिकलाइजेशन इज रेजिंग इन आवर सोसाइटी, सर व्हाट इज योर व्यू? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, मुसलमान की जनसंख्या बढ़ रही है, अच्छा देश में 2050 में 57 देश मिलकर इसराइल को तो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। पॉपुलेशन से क्या होता है, जंगल में बहुत सारे जानवरों की बहुत पॉपुलेशन है, पर वो जंगल के राजा थोड़ी है। ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है, और हमारे देश में 91 के बाद शायद ही किसी ने आर्ट्स पढ़ा हो स्कूल में सब, या शायद मैथ्स या बायो, डॉक्टर इंजीनियर, हम 90 में निकले बायो पढ़ गए, हालांकि हम तो कभी पढ़े नहीं, लेकिन हमें भी कहा गया मेडिकल की तैयारी कर लू। बोले डॉक्टर बन जाओगे, अरे मैंने कहा चाकू पकड़ना है, चिमटी थोड़ी पकड़नी है, चिमटी पकड़ना हो पाएगा, हमको डाल के खोलने वाले की भैया कौन कर, देखो लीवर खराब है क्या। लेकिन माता जी ने इतना जबरदस्त प्रेशर बना दिया, घर में खाना छोड़ दू, हम भैया खाना नहीं खाए,
फिर मैं इलाहाबाद कोचिंग करने मेडिकल की, तो हमने कहा पहले मेडिकल की स्पेलिंग सीख ली, फिर तो कोई पूछ लेगा कि मेडिकल की तैयारी करो तुमको पता ही नहीं। फिर टीचर आया बोला हम बॉटनी की क्लास लेंगे, हमने कहा ये कौन सी क्लास है, हमें तो बायोलॉजी पता था। फिर बॉटनी जूलॉजी की मैंने कहा यार, लेकिन उस कोचिंग ने मुझे बहुत बड़ा फायदा दिया। वहां पे मुझे टीचर से मुलाकात हुई एम्पैथी से, तो बेचारे हैं नहीं, पर उनकी क्लासेस में इतना मुझे मजा आता था, इतने प्यार से वो पढ़ाते थे, वहां से जो पढ़ने का इंटरेस्ट है पहली बार करा वहीं से पढ़ा। मैं किसी क्लास में बैठू ना बैठू एम्पैथी सर की क्लास में जरूर बैठू। The way he used to connect the things and the way he used to explain the things, और ये जो बातें मैंने बताई application वगैरह, ये बातें वो करते थे। और मंदिर जरूर आना चाहिए सर, एक बार इस statement के बारे में clear बताना। देखो शक्ति बढ़ाना है, इस जीवन में लोग शक्ति की पूजा करते हैं, शक्ति यानी भगवान। मैंने जीवन में कुछ चीजें सीखी, उसमें से एक ये चीज है कि शक्ति के सिवा किसी चीज पर ध्यान ही नहीं देना। तो शक्ति कहां से आएगी, जिम जाओगे तो बॉडी बनेगी, मंदिर जाओगे तुम्हारा स्पिरिचुअल ताकत बढ़ेगी, लाइब्रेरी जाओगे तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा। तो ये तीनों चीजें तुम्हें कुछ ना कुछ दे ही रहे, इसलिए मैं कहता हूं कि आप तीन जगह जाओ, आपको नहीं पढ़ने का मन है आप जिम चले जाओ, चार घंटे वहां रहो, बॉडी गाड़ी बना लिया, बस में खड़ा हो, कोई टिकट ही नहीं मांग रहा, समझ जाएगा यार स्पोर्ट्स कोटे का आदमी हो, पढ़ लिए तुम इतने ज्यादा, कहीं भी खड़ा होकर लगे बोल दे सब सब झुका के बैठे जी जी भैया जी भैया जी जी भैया। अच्छा हमारे एक नेता जी यूपी में, उन्होंने फोन किया बोले सिक्किम कहाँ है, और हम कहे सिक्किम जो है वो वेनेजुएला कंट्री में नहीं है, हमने कंट्री में नहीं है नाम जहां हमको लग रहा था। फिर रात में फोन किया उठाए नहीं, समझ के बवाल हो गया। फिर मैसेज दिया कि सारा संबंध खत्म, दोबारा मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा, उनको बता दिया सिक्किम साउथ अमेरिका में। हमने कहा अगर लाइब्रेरी में बैठ गए होते तो तुमको मुझे फोन नहीं करना पड़ता, और ये मासूम जनता बेचारी इसको पता नहीं कि तुमको पास सिक्किम पता है, तुम किसी का सिख क्या दूर करोगे। तो तीन जगह युवा को जाना ही चाहिए, पार्क में भी जाना चाहिए, तुमको एक बड़ी सीधी सी बात है, जिसने ये क्षमता डेवलप कर ली कि अगर वो गर्लफ्रेंड की गोद में लेटा और नेशनल इनकम सोच रहा है, तुम्हारे दिमाग में मुझसे कोई थोड़ी देख रहा है, जैसे हम सुबह बोलता था मूवी देखने चल रहा है, चलो अब वहां मूवी चल रही है, पर मेरे दिमाग में तो पूरा नेशनल मूवमेंट ही चल रहा था ना, हमें तो वहां बैठ के रिवाइजन करना था शांति से, मूवी देखने नहीं आते, भाई लोग नाराज हो जाते, चले गए। लेकिन अब वहां हॉल के अंदर पत्ती उत्ती मार के बैठे, एसी चल रहा है बढ़िया फर्स्ट क्लास, और उसी में रिवाइज कर रहे 1885 कांग्रेस, 1905 स्वदेशी मूवमेंट, 1915 एचआरएल, 1916 लखनऊ कांग्रेस, 1920 एनसीएम। अब मेरे मन में अब बगल वाला मुझसे पूछ रहा है, बहुत बढ़िया सीन है, शानदार। जो चीज तुम्हारे दिमाग में घुस जाती है वो बाहर की दूसरी चीज पे, अब अगर पढ़ाई तुम्हारे दिमाग में है, तुम्हारा गोल तुम्हारे दिमाग में है, बाहर कोई भी खड़ा हो फर्क ही नहीं पड़ता, ये आज डेवलप करनी पड़ेगी। मैंने स्टोरी करना है किसी को बताना थोड़ी, नहीं तो लोग तुमसे नफरत करने लगेंगे। पहली बार किस भाषा में आए, ये भाषा कैसे पैदा हुई, तब तो तुम सोक्रेट्स हो जाओ, तब तो तुम आईएस वाले रात में मत चलना। लेकिन उसके अगल बगल जैसे तुमने मान लो कुतुब मीनार देखा तो तुम इतना तो पता ही कर लो यार कौन सी स्टाइल में बना हुआ है, इतना तो जायज है ना। अब तुम खड़े होकर देख रहे हो, पता नहीं क्या देख रहे, करो बहुत बड़ा है तो वो देखना जो है ना वो यूजलेस हो जाता। नमस्ते सर, 18-19 में ले ले, दो साल 19, जब तुम्हारी उम्र 19 की हो जाएगी तब लेना, क्योंकि 19 के जब तुम हो जाओगे तो
साल जीएस प्रिपेयर कर लेना कायदे से, पहले एनसीईआरटी फिर जीएस फिर एक साल तुम अपना ऑप्शनल, तो तुम्हें सफिशियंट टाइम मिलेगा सब चीज पर ध्यान देने। फिर जब तुम दोनों तैयार कर लेना कायदे से, अब तुम्हें प्रैक्टिस सेशन करना और फिर जाके एग्जाम देना। तो 19 ईयर इज द राइट टाइम, क्योंकि 21 में तुम्हें एग्जाम देना है, तो तुम्हें दो साल पूरा पूरा मिलेगा प्रिपरेशन जब परिणाम। तुम जिंदगी में जब तक बाहर देखोगे, लोग मिसाल कायम करते हैं, मिसाल लोग मिसाल कायम करते हैं, तुम बाहर दूर कुछ मत करो। जो भी चीजें घट रही हैं, अब तुम सोचो महाभारत का वॉर भगवान कृष्ण तो टाल सकते थे ना, भगवान है, लेकिन वो सिर्फ उस वक्त की नीड है, चल रहा है। जाते दुर्योधन से कहते भैया पांच गांव दे दो, युद्ध नहीं होगा, कहता पांच पांच इंच जमीन नहीं दूंगा। तुम इतने पावरफुल बन जाओ, इतना अपने ऊपर वर्कआउट करो, इस देश की सारी सत्ता तुम्हारे अंदर आ जाए, सारे धार्मिक स्थल कब्जा करके बंद कर। कुछ समय के लिए, ज्यादा मत करना, नहीं तो रूस वाला हाल। और सीधी सी बात है यार, धर्म का जो काम है अगर वो फैलाया जाए, कन्वर्जन इंटरनल एक्सटर्नल नहीं, तो अब तुम्हारा काम एक ही है, तुम दूसरों को कहने के बजाय, मैंने देखा जीवन में जो लोग दूसरों को समझाते हैं भैया पढ़ लीजिए, अब जिसको तुम कह रहे हो पढ़ लीजिए, उसको मजा आने लगा क्योंकि तुम उसकी वजह से डिस्टर्ब हो रहे हो, किसी को मत समझाओ। अपनी शक्ति का विकास करो और खुद सत्ता में आओ। तो जो काम अकबर ने किया, धार्मिक कट्टरता फैल रही थी, ले गया मौलानाओं को यमुना नदी में, आया तुम तो बड़ा उल्टा सीधा बोलते, बोले साहब जी हम तो नहीं बोलते, बोले बोलते तो और अंदर ले आके नाव पलट दी। सत्ता में आओ, सत्ता में आओ, परिवर्तन करो, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। गुलाम बने तो कोई गुलाम कब बनेगा, जब वो कमजोर होगा। तो पहला चैप्टर क्या बता रहा है, कमजोरी भारत की, किस स्तर पे, पॉलिटी के स्तर पे, कल्चर के स्तर पे, एजुकेशन के स्तर पे। तो जब तुम वो पहला चैप्टर उठाओ तो ऊपर लिख लो किताब का मोटिव क्या है, तुम्हें बताने का चैप्टर का मोटिव क्या है। जब सेकंड चैप्टर पे आओगे तो चैप्टर की हेडिंग ही यूरोपियन पेनिट्रेशन एंड ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, बस वही क्वेश्चन मार्क लगा दो कैसे। तो जब तुम पहला चैप्टर खत्म करोगे तो तुम्हें चार चीजें पता चलेंगी 18th सेंचुरी इंडिया में, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, एजुकेशनल स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर, कल्चरल स्ट्रक्चर और फिर उनके सारे फीचर्स। तो हर किताब तुम्हें कुछ ना कुछ बता रही है, वो कोर थीम उसकी निकालो कि मुझे जैसा मॉडर्न इंडिया है वो तुम्हें क्या बता रही है, बर्थ ऑफ अ नेशन, एक देश का जन्म हो रहा, तो कैसे हो रहा, कौन से फैक्टर्स काम कर रहे हैं, बस उन फैक्टर्स को निकालो, पॉलिटी के लेवल पे, इकोनॉमी के लेवल पे, सोसाइटी के लेवल पे, कल्चर के लेवल पे, एटसेट्रा। राइटिंग स्किल, राइटिंग स्किल, जितना तुम लिख सकते हो, तुम बिना सोचे पढ़ सकते हो, तुम बिना सोचे लिख नहीं सकते। दो चीज पे अगर तुम लोग ध्यान दो, तुम्हारी बड़ी अच्छी सिविल सोसाइटी तुम लोगों ने बना रखी, दो चीजों पे ध्यान दो, एक राइटिंग पे, एक डिस्कशन पे। और डिस्कशन का मतलब झगड़ा नहीं होता, यह बात याद रखना, डिस्कशन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। आज तुमने मुझसे कुछ कहा, तुमने कहा नहीं सर 1897 में वर्ल्ड जियोन ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनी थी सर, 1894 में बनी थी। मैंने कहा अच्छा सर, ये एविडेंस किताब में लिखा हुआ, तो मुझे मानना पड़ेगा, भले मैं 25 साल से हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, लेकिन अगर तुमने मुझे किताब में दिखा दिया तो आवाज ऊंचा हैज टू एक्सेप्ट, बिकॉज नो वन इज बिगर देन द बुक। तो जब भी आप डिस्कशन करें, कीप द ईगो असाइड, कीप हैव अ फ्रेम ऑफ माइंड दैट वी ऑल आर एक्सचेंजिंग द इंफॉर्मेशन अमंग अस एंड वी आर एनहांसिंग ईच अदर्स इंफॉर्मेशन। तो डिस्कशन करो और लिखो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नाउ वी विल हैव, और साथ में यूपीएससी की कोचिंग भी कर रहे हो, और अब जैसे कि जानते हैं कि करोल बाग, राजेंद्र नगर में बहुत ज्यादा क्राउड है और बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग माहौल है, तो हम इन राजेंद्र नगर और करोल बाग में, तो हम इन चीजों से कैसे पॉप अप करें और कैसे इंटरनल एग्जाम सबसे पॉप अप करके हम पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करें,
देखो टेम्परेचर का नियम, टेम्परेचर मूव स्लो हाई टू लो। तो हमने जिंदगी में एक तो आदमी जो हाई टेम्परेचर के लोग हैं, जैसे तुम्हारे पापा है, वो तुम्हें बड़ा मोटिवेट रखते होंगे, उनसे बात करो। टेम्परेचर के नियम पे जिंदगी को जीना, जिंदगी को टेम्परेचर के नियम के विपरीत कभी मत जीना। जैसे करने का मन नहीं करता क्योंकि बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो जाता है। तब तुम एक काम करो, फिर तो तुम्हारे पास फिर एक और ऑप्शन है, बायोग्राफीज एंड ऑटोबायोग्राफीज। जितने दुनिया में लोग महान हुए सबके जीवन या तो कृष्ण की तरह था या राम की तरह था। कृष्ण का तरह जीवन कैसे होता है कि जन्म से ही संघर्ष होता है, और राम की तरह जीवन कैसे होता है कि संघर्ष तो राजघराने में हुआ, जन्म तो राजघराने में हुआ, संघर्ष हमने खुद लिया, क्योंकि संघर्ष ही व्यक्ति को मजबूती प्रदान करता है। तो अगर तुम्हारा जीवन कृष्ण की तरह है तो तुम घर बहुत ज्यादा महान हो, और अगर राम की तरह है कि तुम ऐसे घर में पैदा हो कि राजशाही तौर पे पैदा हो लेकिन अब संघर्ष करना पड़ रहा है, तो तुम उससे उसके लिए सबसे प्यारी चीज है कि तुम बायोग्राफीज और ऑटोबायोग्राफीज का सहारा, और जूनियर्स को पकड़ो। जो तुम थर्ड ईयर में हो, फर्स्ट ईयर के किसी लड़के लड़की को पकड़ लो, उसको पढ़ाना शुरू कर दो, तो वो क्या होगा, ओबीडियंट होगा। ओबीडियंट होने के साथ साथ क्या होगा, वो तुम्हें बड़े थैंक्स गिविंग भाव से तुम्हारे साथ रहे। बाकी लोग पूछो। मिलावट Thank you.
को मेरा एक वीडियो रिलीज हो रहा है अवध ओझा ऐप पे, पूरा फ्री है, 6 घंटे का लेक्चर है, प्रीलिम्स क्या होता है, मेंस विद एग्जांपल्स, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक्सप्लेन किया है, उसको देख लो। 15 नवंबर को रिलीज हो रहा है, अवध ओझा का ऐप है, उसी ऐप से तुम ले सकते हो, उसे वहां से ले लो। और फिर अगर तब पर भी कोई डाउट तुमको रहता है, इसमें होता है कभी कभी डाउट बच जाता है, सब YouTube पे पढ़ा बेटा, ये देश में इतने बड़े बड़े टीचर हैं और सबको मैं थैंक यू बोलूंगा, सारे टीचरों को, कि उन्होंने कुछ ना कुछ पोर्शन YouTube पे सबने डाल रखा। बच्चों को प्रेडिक्ट करते हैं आप कब जा रहे चुनाव में। Now I kindly request Roja sir to felicitate our coach.